तुलसीदास की रामचरितमानस में लिखा है, ढोल गवां सूत्र पशु नारी, क्या है इसका अर्थ? गोस्वामी तुलसीदास को महान रचयिता कहा जाता है। उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का भारतीय संस्कृति में खास महत्व है। इसकी काफी लोकप्रियता भी है। कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने उस वक्त की थी जब मुगल शासक अकबर का भारत पर शासन था। तुलसीदास जी ने अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने काफी समय तक अयोध्या में ही रहकर शिक्षा हासिल की। महाकाव्य रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने तब की जब वे 76 साल के थे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महान ग्रंथ में वर्णित है। जिस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी उस समय हिंदू धर्म से जुड़े सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बेहद सरल और सुबोध भाषा में की। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की जिसमें संस्कृत हिंदी और भारत के कई क्षेत्रों की भाषाओं को शामिल किया गया। रामचरितमानस को लेकर दो चीजों पर प्रश्न उठाए गए, पहला कि यह संस्कृत में क्यों नहीं है और दूसरा तुलसीदास की एक चौपाई। तुलसीदास जी भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन उनके एक दोहे का सही अर्थ समझने से लोग अनभिज्ञ थे और इस कारण इसमें प्रश्न उठाए गए। ढोल गवां सूत्र पशु नारी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक चौपाई है। यह चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड में 58-59 दोहे के बीच छठी चौपाई है। लेकिन इस चौपाई को लेकर खूब बवाल हुआ था। यहाँ तक कि इस ग्रंथ को जला देने तक की बात कही गई। कुछ हिंदू विद्वान इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। रामचरितमानस को भगवान शंकर का मिला आशीर्वाद। रामचरितमानस पर जब सवाल उठे तो आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि इस ग्रंथ को यदि भगवान शंकर की सहमति मिलेगी तभी इसे सही माना जाएगा। धर्म गुरुओं की सहमति से रामचरितमानस को वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी ग्रंथों में सबसे नीचे रखा गया और कहा गया कि यदि सुबह यह ग्रंथ सभी ग्रंथों में सबसे ऊपर होगा तभी इसे मान्यता प्राप्त होगी। मुगल सैनिकों और धर्म गुरुओं की कड़ी पहरेदारी के बीच रात भर इस ग्रंथ को काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा गया। सुबह जब मंदिर का पट खोला गया तो तुलसीदास की रामचरितमानस सभी ग्रंथों में ऊपर थी। इस अद्भुत घटना के बाद रामचरितमानस को महत्ता मिली। तुलसीदास जी की ढोल गवां सूत्र पशु नारी चौपाई का अर्थ, जब किसी बात को समझा नहीं जाता तो अर्थ का अनर्थ होने में देरी नहीं लगती। इसलिए किसी भी पंक्ति का अर्थ भली भांति समझना चाहिए। तुलसीदास की चौपाई ढोल गवां सूत्र पशु नारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या आप इस चौपाई का सही अर्थ जानते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं आसान शब्दों में इसका अर्थ। ढोल ढोल के विषय में तादन शब्द का अर्थ होता है मारना या पीटना। क्योंकि जब तक ढोल को थाप न दी जाए अर्थात मारा पीटा न जाए तब तक उससे कोई आवाज नहीं आती। बिना ध्वनि के ढोल का कोई महत्व और उपयोग भी नहीं होता। लेकिन अगर ढोल पर सही व लयबद्ध तरीके से थाप दी जाए या मारा जाए तो एक मधुर ध्वनि निकलती है, नहीं तो आवाज कर्कश होती है। गवार गवार का मतलब अज्ञानी होता है। अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति को जब कोई कार्य दिया जाए तो वह इसे सही ढंग से नहीं करता, इसलिए उस पर नजर रखनी जरूरी होती है। इसलिए जब तक किसी को किसी चीज के विषय में पूरी जानकारी या ज्ञान ना हो तब उस व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। सूत्र चौपाई ढोल गवां सूत्र पशु नारी में सबसे ज्यादा आपत्ति इसी शब्द पर हुई। इसका अर्थ है कि सूत्र केवल जाति से ही नहीं बल्कि कर्म से भी होते हैं। कुछ लोग अपनी इच्छा से ही नीच कर्म करते हैं कि वह सूत्र में गिने जाते हैं, लेकिन सूत्र का असली अर्थ सेवक होता है और सूत्र का यह भी अर्थ होता है नीच कर्म करने वाला।
तुलसीदास की रचना में यह कहा गया कि शूद्र को भी सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। पशु हिंदू धर्म पशु पक्षियों का विशेष महत्व होता है। कुछ पशुओं को हिंदू धर्म में मूल्यवान और पूजनीय माना गया है। चौपाई में पशु का अर्थ यह है कि पशु बुद्धिहीन होते हैं लेकिन मूल्यवान होते हैं, इसलिए उन्हें उचित देख रेख की जरूरत होती है। जब पशु झुंड में चलते हैं तो एक व्यक्ति देखभाल के लिए उनके साथ होता है ताकि पशु इधर उधर भटके। इसलिए यदि पशुओं की सही ताड़न देखरेख न की जाए तो पशुधन का नुकसान हो सकता है। नारी, इस पर भी सर्वाधिक आपत्ति होती है, किंतु यहाँ नारी के विषय में अर्थ है उनका ध्यान रखना और उसकी रक्षा करना, क्योंकि नारी पवित्र और आदरणीय होती है। स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और एक कीमती रत्न की तरह उसका ध्यान रखना चाहिए।